ये अपने यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस क्या है, जैसे हेलमेट की अपन बात करें तो हेलमेट की स्टार्टिंग मेरे पास 550 से है एंड 40,000 के आसपास। 24,000 का हेलमेट यूज कर रहे हैं ना, हाँ। वो 6D मटेरियल से ऊपर कोई कंपनी नहीं बना रही, ये सिंगल कंपनी है जो आपको आउटर पे 70D मटेरियल यूज मिलता है, जो प्रेस के टाइम में रगड़ खाने में फटता नहीं है जल्दी से फटता। तो फाइनली मैंने पहन लिए पूरे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार फ्रेंड्स, अभी राजस्थान में बहुत भयंकर वाली गर्मियाँ पड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक ट्रिप हो जाए बाहर की। तो उसके लिए मेरे पास बाइक भी है और हेलमेट विथ एंटरकॉम, बट इससे मैं ट्रिप नहीं कर सकता क्योंकि बहुत रिस्की होता है। तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर राइडिंग गियर्स चाहिए होंगे, तो वो उस शॉप पर आज मैं जाने वाला हूँ। व्लॉग के लास्ट तक बनाए रहिएगा, सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर राइडिंग से रिलेटेड। तो पहुँचते हैं सीधा अपनी लोकेशन पर। फाइनली पहुँच चुके हैं हम करण मोटोमार्ग मालवीय नगर, तो यहाँ की लोकेशन में चलते हैं अंदर। क्या लेंगे? यार लद्दाख का प्लान कर रहा हूँ, पर उसके लिए मेरे पास हेलमेट इंटरकॉम तो है, बाकी जितने भी गियर्स आते हैं वो चाहिए होंगे यार मेरे को। सब कुछ मेरे को एक हेलमेट भी चाहिए अच्छी कंपनी का, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, उसके ऊपर जो गोप्रो स्टैंड वगैरह, बूट हो गए, और इसके अलावा आप बताओ क्या क्या और चाहिए होगा। जो हम वो भी चाहिए, अभी स्नोफॉल भी हो रहा ना वहाँ पे, ठीक है भैया। और बैग वगैरह के लिए भी चाहिए होगा, वो भी आते हैं बैग साइडों में लटकाने वाले, उनको क्या बोलते हैं, उनको हैडल बैग कहते हैं। हाँ वो बैग, हाँ जो टैंक वगैरह में सारे चाहिए होंगे। तो अगर ये दिखा सकते हो मेरे को, ये अपने यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस क्या है, जैसे हेलमेट की अपन बात करें तो हेलमेट की स्टार्टिंग मेरे पास 550 से है एंड 40,000 के आसपास। 24,000 का हेलमेट सब रेंज ऑलमोस्ट रेंज पूरी मिलेगी आपको। और जो जैकेट वगैरह भी उसकी स्टार्टिंग प्राइस, जैकेट की स्टार्टिंग आपकी 4,000 स्टार्ट है एंड 34,000। और पैंट भैया, पैंट की स्टार्टिंग आपकी है 4,000 से एंड 8,900 का रेंज पूरी ऑलमोस्ट। ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स की सारी चीज आते हैं 5,000 में ग्लव्स आपका पूरी है। अच्छा, ये सारा मतलब सब रेंज मिल जाएगी, तो भी अगर दिखा सकते हो भाई। ये भी है यार, ये भी बिकाओ होगा तो। अरे ये यार बड़ी खतरनाक चीज है यार, आप ही चलाते हो उसको, क्या कर दिया यार। तो आ चुका हम ऊपर भैया की शॉप के ऊपर। भैया बताओ यार आपका नाम क्या? राकेश। ओके, तो भैया पूरा राइडिंग गियर का वो मिल जाएगा, जैकेटों का सारा ये रखा हुआ है, इसके ऊपर की और भी जैकेट है अपने पास। तो भैया मेरे को ना लद्दाख के लिए चाहिए, तो भैया मेरे को ना राइडिंग से एक एक सारी चीज चाहिए सामान। मेरे पास हेलमेट भी मेरे को चाहिए एक ही है, तो मेरे को एक और चाहिए। तो आप सारी चीजें बताओ मेरे को, हर चीज जो आपको लगता है कि ये चाहिए होगी मेरे को लद्दाख ट्रिप के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेलमेट, उसके बाद आता है जैकेट। तो ये सबसे पहले आप जैकेट दिखा दो। ये देखो रेनॉल्ड्स कंपनी का आपका जैकेट है, इसमें लेवल टू गार्ड है, शोल्डर लो बैक पे, चेस्ट में भी लेवल टू गार्ड है, काफी अच्छा जैकेट है। कलर कॉम्बिनेशन 3-4 मिल जाएंगे, साइज छोटा बड़ा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में गार्ड की 5 ईयर वारंटी आ रही है, उसके बाद में आपको एक जोर का मिल जाएगा, सोलेस का मिल जाएगा और इसके अलावा मिल जाएगा। सबसे अच्छा बता दो आप जो मतलब, और मेरे को ऐसी चीज देना जो कि ना मतलब ऐसे नहीं कि विंटर के लिए, मतलब 12 महीनों में, मतलब मेरे को कभी भी मैं सर्दी गर्मी में पहनू ना उसको दिक्कत नहीं है राइडिंग के। आपको एक जैकेट दिखा रहा हूँ, सोलेस कंपनी का जैकेट है, काफी अच्छा जैकेट है ये जैकेट। हाँ ये देखो भैया, ये जैकेट है आपका सोलेस कंपनी का, इस पे आपको 3 चीजें मिलती है, जैसे कि ये है आपका रेन लाइनर, ये आउटर पे पहना जाएगा बारिश से बचाने के लिए। ओके, बारिश के लिए होगा इसके ऊपर। तो भैया इसकी रेट कितनी आती है भैया? अगर अलग से लोगे इसके तो साथ में आ रहा है जैकेट के, अलग से लोगे तो 850-1100 जो आपके मार्केट, मोटा मोटा 1000 रुपए का, 1000 रुपए हमारे को फ्री में एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके साथ मिल रहा है, तो बारिश का काम ही करेगा। ओके, बाद आता है विंटर लाइनर जो जैकेट के नीचे पहना जाएगा, ये सर्दी से बचाता है अपने को, सर्दी के लिए हो गया, बारिश के लिए हो गया, और गर्मी के लिए हो गया। ये कभी अपन पहन सकते हैं। अलग से लेते हो इसके तो साथ में आ रहा है, अलग से लेते हो तो मोटा माटी 1100-1300 समथिंग विंटर में, 2,000 रुपए के लिए हो गए। तो अपने 2,000 रुपए इसमें बच जाते हैं। और ये कितने का पड़ रहा है भैया? ये भैया तीनों मिला के पड़ रहा है आपको 7,950 रुपए का, 8,000 रुपए का। और वैसे अगर मैं दोनों अलग लूं तो 10,000 रुपए का पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या इसमें बताओ? इसमें शोल्डर वो बैक, वो चेस्ट पे भी लेवल टू गार्ड है, सेफ्टी कंपनी के आपको गार्ड मिलते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है गार्ड ये है। अच्छा ओके, उसके बाद में ये चेस्ट पे हो गया, ये शोल्डर पे हो गया और ये एल्बो पे हो गया।
ठीक है। और अदर कंपनी की बात करते हैं ना, तो ये जो आउटर पे मेटेरियल यूज कर रहे हैं ना, हाँ। वो 6D मेटेरियल से ऊपर कोई कंपनी नहीं बना रही। एक सिंगल कंपनी है जो आपको आउटर पे 70D मेटेरियल यूज मिलता है, जो प्रेस के टाइम में रगड़ खाने में फरता नहीं है, जल्दी से फरता नहीं। वो इसकी कितने कब तक की कितने गारंटी आती है? 2 साल की गार्ड की आती है, 1 साल की जैकेट की आती है। कुछ जैकेट सिलाई उधड़ गई, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, उसकी 1 साल की आती है। चैन वगैरह खराब होने पर सबकी भी है, ये टाइट आता है यार। ये भैया देखो, जैकेट जितना फिटिंग होगे उतनी अच्छी चीज रहेगी। इतना स्पेस लेके नीचे चलो कि मैं सिर्फ एक थर्मल लाइनर पहन पाऊँ। उससे क्या होता है, जितना जैकेट फिटिंग होगा उससे क्रेश के टाइम में गार्ड अपनी जगह गर्मी नहीं लगेगी बाइक। भैया तो इसके साथ और मेरे को क्या चाहिए होगा? अब भैया देखो, राइडिंग गियर में एक हो गया जैकेट, ये तो फाइनल है। आपको पैंट, ये पैंट भी दिखा दो, पैंट भी ऐसे ही दिखाना। सर्दी गर्मी बारिश का काम है। कंपनी का जैकेट दे रहा हूँ, ये सोलिस कंपनी का आपका जैकेट पैंट है। उसके बाद इसमें आपको सबसे पहले मिलता है, ये हो गया आपका पैंट। पैंट में क्या मिल रहा है आपको, अंदर इसमें थर्मल लाइनर मिल रहा है, जैसे जैकेट में गर्मी वाला और सर्दी वाला थर्मल लाइनर आ रहा था। हाँ। उसके साथ अटैचेबल आ रहा है, ये डिटेचेबल भी हो जाता है। अगर गर्मी में अच्छा। पहनना है तो चेन खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर गर्मी में अपन यूज कर रहे हैं इसको तो ये निकाल सकते हैं। हाँ, ये डिटेचेबल सर्दी के लिए, अभी ना सर्दी के लिए। ओके, और ये सब बारिश आ रही है इसके लिए है कुछ अलग जाए तो भैया ये रेन लाइनर दे रहे हैं साथ में, जो आउटर पे पहना जाएगा और बारिश चल जाएगा। आपको पैंट के लिए नहीं होगी, आप अंदर से गिले तो इसके भी लगभग 1-2 हजार तो बची जाएंगे, ये भी आते होंगे ना इतने तो। अगर देखो काफी कंपनियों ने रेन लाइनर अलग से कर दिया तो कम से कम 1200-1300 का रेन लाइनर आता है, पैंट का अलग से लेते हैं। इसकी क्या रेट होगी? ये पड़ रहा भैया आपको 6,950 रुपए का। ओके, और ये जो आप चेन बता रहे थे जो अटैच हो जाती है, मैंने जैकेट में बताया था, राइडिंग जैकेट और पैंट अटैच हो जाती है। ये बहुत ज्यादा भारी सी लग रही है। इसमें है ना आपको नी पे गार्ड मिल रहे हैं दोनों तरफ और हिप पे गार्ड मिल रहे हैं, वही जो जैकेट में कंपनी गार्ड है। और वो एक चीज ये बताया कि यार चेन, अगर चेन वगैरह कुछ खराब वगैरह हो जाती है इनकी? भैया आज तक तो कभी शिकायत देखी नहीं, इन फ्यूचर आ भी जाती है तो कंपनी के आपका सेल सर्विस काफी अच्छी है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके कितने साल की गारंटी? भैया गार्ड की वही 2 साल की है, सेम पैंट की 1 साल की मिलती है आपको। ओके, और एक जैकेट और पैंट की लाइफ होती है कम से कम 5-5 साल। आज तक हमने शिकायत नहीं देखी चेन खराब होने की। ठीक है भैया, एक बार पहन के चेक कर लीजिए दोनों। एक काम करिए यार, एक बार ना आप शूज और दिखा दो। हाँ, अगर आप बूट ले रहे हो हाँ। देखिए आते हैं वाइट्रा कंपनी के वाटरप्रूफ सॉक्स है, ये 100% वाटरप्रूफ है। ये दो काम करेंगे, अगर आपने कहीं जैसे नॉर्मल फॉर्मल शूज पहन रखे उसमें भी आपका पैर अंदर से गीला नहीं होगा और विंटर में प्रॉपर काम करेगा। ये वाले? हाँ, ये वाले भी वाटरप्रूफ सॉक्स आता है आपका, 100% वाटरप्रूफ है और विंटर में प्रॉपर काम करेगा। फॉर्मल शूज पहन रखे हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं तो आपका पैर अंदर से गीला नहीं होगा, अगर कहीं बारिश हो रही है या नदी दौरे में पैर डाल दिया हो तो। तो ये मैं चेक करूंगा, आप बोलते रहो। हाँ, हर चीज चेक करके लेके जाऊंगा। चलो ठीक है, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार, ये तो पैर ही नहीं उठ रहा है यार। अब तक क्या है, आप स्पोर्ट्स शूज पहनते आए हो, थोड़ा राइडिंग बूट का शेप हार्ड होता है इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा भारी भारी। ये तो कंपनी का खुद बोलती है, कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि 3-4 दिन शॉर्ट राइड करो आपको कंफर्टेबल होगा, बूट थोड़ा खुलता भी है पहनने के बाद तो कंफर्टेबल हो जाएगा। कपड़ा फर्स्ट टाइम है इसलिए अपने को थोड़ा हार्ड लग रहा है, वो लॉन्ग बूट रहेगा इसलिए आपको लग रहा है। भैया इसका वैसे 10,500 MRP है, अभी पड़ रहा है 9,500। पहनने में यार वापस खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, टाइम है आपको लगेगा, विजिट में जाएगा तो काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। पर ये भी मेरे को ठीक लगा तो लेना तो पड़ेगा। ये दिखाना, ये बूट वगैरह फाइनल कर दिए अपन ने, सॉक्स भी फाइनल कर दिए मैंने। ये भैया भैया ये हेलमेट आपका एलेक्टो कंपनी का, ये पड़ रहा है आपको 34,000 का। इसमें आपको क्या क्या मिलता है सबसे अच्छी वाले बताओ। ये इसमें मिल रहा है आपको पिल्लो, पार्टी और एक सेट और एक नेकल आता है ना जो गले में पहनते हैं जो हेलमेट, उसके बाद में एक ब्लैक वाइजर स्मोक वाइजर फ्री मिल रहा है आपको, इसके साथ ही मिलेगा फ्री साथ। उसके बाद ये एक अच्छा बैग मिलता है आपको, मेरा हेलमेट और बैग आते हैं क्या? हाँ, अच्छा बैग आ रहा है भैया। और उसके बाद तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार, ये आउटर का हो गया। उसके बाद एक और कवर मिलेगा आपको हेलमेट का, ये कवर मिलता है आपको। उसके बाद में देखिए पहला हेलमेट है आपका जो 9K कार्बन फाइबर बना हुआ है, फुल कार्बन फाइबर है और लाइट वेट है, 1200 ग्राम इसमें वेट आता है। ये इलेक्ट्रो कंपनी का हेलमेट है आपका, ये बहुत हल्का है ये भी यार, वो भी अंदर वाइजर होगा ना इसमें भी? नहीं भैया, इस रेंज में जो KPSL हेलमेट आता है उनमें सनवाइजर नहीं आता। ओके, रीजन होता है सनवाइजर वाले हेलमेट यहाँ से थोड़े वो होते हैं, कमजोर होते हैं। ओके, तो आप जितने हाई रेंज में जाओगे उसमें किसी में भी आपको सनवाइजर नहीं मिलेगा।
एक बार ये भी हम फाइनल सा करते हैं, बाकी रेट वगैरह अगर डिस्कशन करेंगे बहुत ज्यादा महंगा है यार, इतना महंगा मैं लेने वाला नहीं हूँ, तो डिस्कशन करेंगे एक बार। भैया हेलमेट हो गया ये, इसके अलावा और क्या बच रहा है? ग्लव्स बच रहे हैं, ग्लव्स बच रहे हैं अपने। और भी मेरे को बैग भी चाहिए, तो कौन सा आता है? एक आता है अपना उसका वाइट्रा कंपनी का, ये आपका है ले मॉडल, इसका नाम है 70 लीटर की कैपेसिटी है ये, इसमें लगेगा 70 लीटर, हाँ 70 लीटर की कैपेसिटी है ये, इसमें अंदर लगेगा तो इसका हार्ड शेप बन जाएगा। उसके बाद अच्छी बात ये है कि अंदर से वाटर प्रूफ है, अगर आउटर पे रेन लाइनर मिलता है, अगर नहीं भी लगा रखा हो राइड के समय बारिश आ गई तो आप नो टेंशन होकर राइड कर सकते हो, अंदर से आपका ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, अंदर से आपका सामान गीला नहीं होगा। ओके, तो इसकी कैपेसिटी 70 लीटर, 70 एक की 35 है, दोनों की मिलाकर 70 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी। चीज और बता दो मेरे को, जैसे टैंक वाला जो आगे फ्यूल वाला बनता है ना वो और बता दो। अपन देख सकते हैं एक ये आ रहा है आपका वाइट्रा कंपनी का टेंट बैग है, ये मैग्नेटिव है, इसको डायरेक्ट रख सकते हैं अपन। और भी अगर सपोर्ट मान लो ये जो मैग्नेट आप बता रहे हो ये मैंने लगाई उस पे, हाँ, और गिर गया तो भैया मेरा सामान स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिव आती है आप, अगर गिर गया तो भैया होता है, हाँ। आप ही नहीं, काफी लोगों को ये चीज डाउट होती है, पर आज तक ऐसा केस कभी भी नहीं आया। और अगर इनको गिर गया भैया गिर गया तो अगर गिरने का फिर भी डर रहता है, इसके साथ तीन स्ट्रेप मिलेगी आपको, जीप मिलती है जिसमें आप मेडिकल किट कोई भी इमरजेंसी सामान रख सकते हो। तो इसके क्या रेट है? ये पड़ रहा है आपको 3400 का। और ये भैया इसको लगाने के पूरा वाटर प्रूफ हो जाएगा? वाटर प्रूफ हो जाएगा ये, बन लगा के देख लेते हैं। हाँ देखो ना, तो भैया एक बार ना यार मैं सोच रहा हूँ यार एक बार मेरे को ना ये पहन के चेक तो कर लूँ मैं कैसा क्या। आराम से पहनो ना, साइज का कितना बढ़ेगा पता चल जाएगा एक बार। ओके ओके, तो देख लेते हैं एक बार यार फटाफट से ना, मैं जो भी जैकेट है पैंट है और ये बूट है और ये हेलमेट एक बार लगा के चेक कर लेता हूँ जल्दी से। फाइनली मैंने पहन लिए पूरे पूरे, बस ये यार इसमें प्रॉब्लम आ रही है यार बहुत ज्यादा यार, चला नहीं जा रहा यार इसमें, इसलिए आपको लग रहा है पूरा गिरेगा तो यहाँ पे ये कवर है इधर से, यहाँ पे कवर हो गया आपका, यहाँ पे पैंट का नी गार्ड चालू हो गया तो यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ नीच पे गार्ड आ गया, चेस्ट पे शोल्डर पूरा कवर हो गया। अब अपना ग्लव्स और हेलमेट बचाए पहले, हेलमेट एक बार दिखाओ, हेलमेट दिखाना कोई जरूरत नहीं पड़ती ना, कम्प्लीट हो गया ग्लव्स, ग्लव्स और बचे, ग्लव्स पहनने के बाद में रेडी एकदम। तो देख सकते हो आप अगर लद्दाख या कोई भी ट्रिप कर रहे हो बाहर, तो ये सारे सामान आपके पास होना चाहिए, अगर गलती से गिरते हो तो आप कवर हो हर जगह पे। तो फाइनली यार हमने ये ले लिया शेडो को, भैया रेडी कर रहे हैं साथ के अंदर, वीवे कहाँ गए? वो सारे सामान वहाँ रखे। ओके, तो रेडी ये हमारा जैकेट हो गया, पैंट हो गया, साथ के अंदर बूट हो गए, सब कुछ हमने ले लिया है, कर लिया है, मैं लेके आता हूँ भैया, आप नीचे लेके आ जाओ ना, तो हम नीचे चलते हैं और भैया से बात करते हैं। यार ऐसे ग्लव्स जो है जो सारे सीजन काम में गए, हो सकता है ऐसा? तो कोई ग्लव्स नहीं आता जो सारे सीजन में काम नहीं आता, एक आता है वाटर प्रूफ, तो वाटर प्रूफ विंटर और बारिश में काम कर लेगा, अगर गर्मी में पहनना है तो मेस वाला ग्लव्स लेना पड़ेगा जो गर्मी में काम करेगा आपका। तो ये मेरे को दो ऐसे, अगर आप देख रहे हो दिल्ली के हिसाब से या सिटी के हिसाब से, तो ये बेसिक ग्लव्स है, इसमें मोबाइल टच काम करेगा और सेफ्टी भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी आपकी। इसमें ऊपर जाना चाहते हो तो ये रेनॉक्स कंपनी का एक मॉडल है, इसमें पूरा लेदर का जी लेदर का ग्लव्स है आपका, उसमें स्लाइडर मिल रहा है आपको, सी सर्टिफाइड ग्लव्स है आपका, ये मेस में काम कर लेगा और राइडिंग में काम कर लेगा आपका। सर्दियों वाला है? नहीं, ये बारिश मेस में काम आएगा। अच्छा ठीक है, वाटर प्रूफ कौन सा है? ये आ रहा है फिर आपका वाटर प्रूफ, जो आपको सर्दी और बारिश में काम करेगा, आप लद्दाख जाने की सोच रहे हो उसके हिसाब से ये बेटर चीज है आपको, ये वाला और बारिश दोनों में काम करेगा, बारिश में भी करेगा और सर्दी में भी करेगा, सर्दी में काम करेगा साथ में मोबाइल टच काम करेगा, ग्रिप भी काफी अच्छी रहेगी और ग्रिप भी, ये काफी अच्छा ग्लव्स है यार। और साथ ही के अंदर इसके अंदर देखो इतने सारे ये भी आ जाते हैं, तो टाइट भी कर सकते हो आप, और साथ में फोन भी चलता है ना, फोन भी चलेगा, ये बेस्ट है यार ये। और इसके अलावा फिर एक और ले लेता हूँ जिससे नॉर्मल यूज में कर सकता हूँ, ये कहता हूँ कि आप ये ले लो जो आपका नॉर्मल बेसिक में काम आ जाएगा, ये रहने देता हूँ ना, एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, है ना। तो हमने ग्लव्स भी ले लिए यहाँ से, ये कर रहे हो ना ब्लिंग? हाँ ब्लिंग कर रहे हैं, तो भैया से ब्लिंग करा लेता हूँ। और भैया मैं पूछ रहा था यहाँ पे सारा सामान मिलता है ना राइडिंग से रिलेटेड? राइडिंग से रिलेटेड सारा सामान है, एक्सेसरीज सारी कंप्लीट है, हर चीज मिल जाएगी अपने पास बेस्ट रेट में। कैसे दे रहे हैं रेटों वगैरह में? रेटों में आप आराम से ऑनलाइन कंपैरिजन करो हमारे सामने, हम चेक कराएंगे आप ऑनलाइन, मतलब सेम रेट में से भी मिल जाता है, कई बार नीचे भी मिलता है, काफी आइटम नीचे भी है, महंगा तो नहीं मिलेगा ना ऑनलाइन 10,000 की? पहले चेक करो, हम चेक कराएंगे आपको, चेक करा के दोगे ना? करा के देते हैं। ओके, तो यार हमने कभी भी कहीं से भी आ रहे हो बेफिक्र हो जाइए,
आप बोलोगे भैया हम कंपैरिजन करना, हाँ अच्छी बात है कंपैरिजन करना, आप 10 लाख डीलरों से एक साथ कंपैरिजन कर रहे रेट का, ओके तो सारा सामान आप देख सकते पीछे से, यहाँ से GoPro से रिलेटेड हर चीज मेरे सामान मंगाया था ऑनलाइन, फिर बेचारा सही कर रहा है रिटर्न ले जाते तो इतना परेशान हुए, किसी ने हमारा बताया तो भाई बिल्कुल भैया, तो यहाँ से हमने सारा सामान ले लिया है। भैया अगर यहाँ की लोकेशन बता देना यार। लोकेशन है अपना माली नगर सेक्टर 3 में गोरेडोर से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है ये, और गूगल मैप के थ्रू आते हो बढ़िया रहेगा, और फिर भी कोई दिक्कत होती है नंबर डाल देंगे भैया वीडियो में, कॉल करो बता देंगे आपको लोकेशन। तारण मोटर मार्ट गूगल वगैरह पे आराम से है हमारा तारण मोटर मार्ट। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।